Hello, my dear Maharashtra CET aspirants. I'm sure everybody of you are doing well and all of you are preparing very well for the upcoming Maharashtra CET examination. This examination is going to be conducted in the month of March and notification is yet to come in the second week of January. So, guys, I'm here with a very important and crucial video about colleges and cutoffs of Maharashtra CET. So, guys, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉट आर दॉप कॉलेजेस एंड दे आर कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल्स एंड स्कोर्स राइट एंड इन द अपकमिंग वीडियोज ऑफ टेन मिनट्स वी विल डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर एज वेल एज द एग्जामिनेशन एनालिसिस ऑफ महाराष्ट्र सिटी ट्वेंटी ट्वेंटी महाराष्ट्र सिटी के पिछले साल जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें किस तरीके का पैटर्न रहा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये सीरीज फॉलो होगी अंटिल वी कंडक्ट अ सेशन नेम डेज एग्जामिनेशन डे Strategy for the Maharashtra city. So let's get started. Before we start, I would like you to please like, share, and subscribe to this Unacademy Catalyst YouTube channel and hit the bell icon so that you can get the latest notification regarding all the MBA entrance examinations in India. And you can also join our Unacademy tel Telegram group, Unacademy Catalyst, and please do watch special classes on An Academy Plus for free so let's get started with our discussion on maharashtra city colleges and cutoffs we are going to discuss about the top colleges and their cutoffs and i'll be sharing with you the average score for from the last 4 to 5 years right these are not the rigid depending on the situation depending on the paper and depending on the number of candidates and depending on the quality of candidates that are appearing for the examination these things may vary so let's get started वेरी फर्स्ट कॉलेज ऑब्वियसली वुड बी जमुनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई तो पिछले तीन साल साल का जो ओवरऑल एवरेज कट ऑफ स्कोर रहा है वो रहा है नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन फाइव परसेंटाइज ओवरऑल एवरेज स्कोर रहा है और अगर आप टॉप करना चाह रहे हैं नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंटाइज लाना चाह रहे हैं तो 160 सिक्सटी प्लस स्कोर करना पड़ेगा याद रखिए इस कॉलेज एग्जामिनेशन महाराष्ट्र सिटी एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो है टू हंड्रेड क्वेश्चन एंड वन फिफ्टी मिनट्स और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एल आर से ही लॉजिकल रीजनिंग से ही टोटल हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं राइट right? तो हर एक क्वेश्चन जो होता है एक मार्क का होता है तो आपको वन फोर्टी क्वेश्चन बनाने हैं वन फिफ्टी मिनट्स में राइट right? तो जेबीआई के लिए जो कट ऑफ जाएगा वो वन फोर्टी जाएगा और नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव नाइन फाइव परसेंटें जेबीआईएमएस कॉल करता है एमएमएस प्रोग्राम के लिए सीडन हम की बात करते हैं वन थर्टी फाइव 135 थर्टी फाइव स्कोर गिवस यू नाइनटी नाइन पॉइंट एट परसेंटाइल एंड सीडनहम कॉलेज कॉल्स फॉर इट्स एम एम प्रोग्राम एट द स्कोर ऑफ वन फिर बात करते हैं तीसरे कॉलेज की केजे सोमया 130 is the cut ऑफ स्कोर दैट means 130 थर्टी क्वेश्चन आपको बनाने हैं एंड सही बनाने हैं एंड नाइन्टी नाइन पॉइंट सिक्स परसेंटाइल पर यह कॉलेज आपको कॉल करेगा देन विलिंगकर वन ट्वेंटी पॉइंट फोर परसेंटाइल एंड देन दीज कॉलेजेस इनकी रेंज होती है गाइज जो हर साल चेंज होते रहती है एस पर लास्ट थ्री ईयर्स रिकॉर्ड पुम्बा डालमिया एंड एस आई ई एस मुंबई वन वन फाइव से लेकर के वन टू जीरो स्कोर आपको करना पड़ेगा और नाइन्टी एट पॉइंट फाइव परसेंटाइल से लेकर के नाइन्टी नाइन परसेंटाइल तक ये कॉलेजेस आपको कॉल करेंगे देन कम्स एम ई टी मुंबई आई ई एस मुंबई चेतना मुंबई 110 से 115 स्कोर के रेंज में ये कॉल करता है 97.5 से 98 परसेंटाइल के बीच में एंड देन एस आई एस मुंबई पी प्रोग्राम के लिए 100 से 110 एंड 95 टू 96 सिक्स परसेंटाइज इज दी कट ऑफ परसेंटाइल एंड रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस इसके बाद जो कॉलेजेस हैं पी प्रोग्राम के लिए 90 परसेंटाइल में कॉल करते हैं और 90 परसेंटाइल लाने के लिए ऑलमोस्ट आपको 90 स्कोर करना पड़ता है उससे 90 परसेंटाइल आ जाते हैं राइट right? So these are the top colleges and cutoff guys. You can uh, take the screenshot of this. If you have any doubt, you can ask me you can message me on my learn an academy learning app. I'll get the message directly and I'll be very happy resolving your queries. So guys, thank you so much for watching this video. Follow me on an academy use my referral code Akash.yt to subscribe on an iconic subscription and plus subscription and you can get 10% discount. Please do not forget to upvote rate and review my course. Thank you so much. Good luck. Take care. Bye bye. Happy learning.